नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश में चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावी हलचलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। एनडीए सरकार कितने दिन की रहेगी, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। उधर राहुल गांधी ने अब एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे बीजेपी फिर परेशान हो गई है। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि विपक्ष के, मतलब जो सत्ता पक्ष के कई सांसद उनके संपर्क में है, और इस दावे से खलबली मची हुई है। और अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या मोदी सरकार पर फिर से अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब से सरकार गठित हुई है तब से ये सवाल ये नहीं उठ रहे हैं कि मोदी इस बार अब कितनी मजबूत सरकार दे पाएंगे, बल्कि सवाल ये उठ रहे हैं कि मोदी इस बार किस तरह मजबूर हैं और वो कितने दिन इस तरह से सरकार चला पाएंगे। आप जानते हैं, कल पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे, जहां अब उन्होंने अपने आप को माँ गंगा का दत्तक पुत्र बता दिया। आप याद कीजिए, सबसे पहली बार उन्होंने अपने आप को माँ गंगा का बेटा बताया था। इन चुनाव से पहले उन्होंने ये कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ और मुझमें परमात्मा का अंश है, यानी उन्होंने अपनी माँ और गंगा माँ दोनों को ही किनारे करते हुए खुद को सीधे परमात्मा का अंश बता दिया था। लेकिन अब चुनाव के परिणाम ऐसे आए, मोदी फिर से पहुंचे काशी और यहाँ उन्होंने ये कह दिया कि माँ गंगा का मैं दत्तक पुत्र हूँ। अब मोदी की असली पहचान क्या है ये तो वही जाने, लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं तीसरी बार, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी मुश्किलें बिल्कुल कम नहीं हो रही हैं। और राहुल गांधी जो अभी विपक्ष के नेता भी नहीं बने हैं, एक सांसद ही हैं, जब वो पहले भी सांसद थे तब भी उन्होंने मोदी की नाक में दम किया हुआ था, और इस बार तो जबकि कांग्रेस की संख्या संसद में काफी बढ़ चुकी है और इंडिया गठबंधन भी काफी मजबूत स्थिति में है, ऐसे में मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए लगातार परेशानियां उठ रही हैं। बीजेपी का अपना खेल जारी है कि वो किसी न किसी तरह कांग्रेस के लोगों को अभी भी तोड़ रही है। आज भी हरियाणा के दो नेता यानी किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने मोदी की तारीफ में कसीदे कढ़े। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन सब के बावजूद मोदी राहुल की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन का उत्साह आज कांग्रेस मुख्यालय में एक अलग ही तरह देखने को मिला। राहुल गांधी ने कल ही कह दिया था कि कोई ज्यादा मुझे तामझाम नहीं और कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, और अपने समर्थकों से उन्होंने अपील की थी कि इस दिन आप जरूरतमंदों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में जो आज एक उत्साह का माहौल था, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त जोश और एक नई उम्मीद दौड़ पड़ी है, और उसी का नतीजा आज भी देखने मिला। और अब राहुल गांधी का ये जो दावा है कि कांग्रेस के, मतलब उनके संपर्क में सत्ता पक्ष के कोई सांसद हैं, तो इस दावे से भी बीजेपी में खलबली मची हुई है। क्या होने वाला है आगे राजनीति में और किस तरह मोदी को मात दे देंगे राहुल, क्या है उनकी नई रणनीति, किस तरह से उन्होंने बिछा दी है नई बिसात। आप जानते हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं राहुल, और ये बात उन्होंने अभी चुनाव प्रचार के दौरान कही थी कि शतरंज किस तरह से उनका प्रिय खेल है। तो अब राहुल की बिसात में किस तरह से नई चालें चलने को तैयार है राहुल, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं। अमलेंदु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल भी हम लोगों ने जब चर्चा की थी प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारने के उसकी रणनीति पर, कि किस तरह से राहुल ने एक साथ उत्तर और दक्षिण दोनों को साथ दिया, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और इस मौके पर हर बारी हम ये देखते हैं कि उनके समर्थक केक काटते हैं, उनकी तस्वीरें सामने रखकर, और लोगों में जो जरूरत की चीजें हैं, कहीं अस्पताल में जाकर रोगियों को फल बांटना या पानी के वो प्याऊ लगाना, कहीं कोई जरूरत की चीजें उनको दान करना, ये सारे काम तो करते ही हैं। लेकिन इस बार का जो माहौल है, ये जो अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आपको भी क्या अंदाजा लगता है कि वाकई कांग्रेस मुख्यालय में, और ये जो तस्वीरें आ रही हैं इसको देखकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में इस समय जोश और उत्साह की एक नई लहर दौड़ पड़ी, और इसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी हैं, क्योंकि अब राहुल के विरोधी भी ये मानने लगे हैं कि उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया, या बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने की जितनी कोशिशें की, आज की ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता अमलेंदु जी कि वो सारी कोशिशें बीजेपी की फेल हो गई हैं? पहले ही फेल हो चुकी थी जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का असल राहुल गांधी को लोगों ने करीब से देखा था, लेकिन अब जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में न जाने क्या क्या नहीं बोला बीजेपी ने, इवन उनके कपड़ों को लेकर, उनके हर बात को लेकर तंज कसे गए या उनको किसी भी तरह बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन आज ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसके बाद आप क्या कहेंगे, ये राहुल कौन सा 2.0 है, 3.0 है, क्या है, ये नए राहुल कौन से हैं, या ये वही राहुल है जिनको लोगों ने नहीं समझा था? अमलेंदु जी,
सुमित्रा जी, राहुल तो वही हैं जो पहले थे और राहुल आज भी वही हैं। समझ फेर जो है लोगों की समझ का है, और लोगों की समझ का फेर क्या है, कुल मिला के कहा जाए कि जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था वो प्रोपेगेंडा चूंकि फेल हो गया और उसको राहुल ने ही फेल किया, और एक लंबी यात्रा करके, बल्कि दो लंबी यात्राएं करके राहुल ने बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा को ज़बरदस्त तरीके से फेल किया। तो राहुल गांधी तो वही हैं और जैसे थे राहुल गांधी वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं, पहले भी ऐसे ही थे, आज भी राहुल गांधी ऐसे ही हैं और उसी तरीके की चीज़ अब दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित तौर पर है सुमित्रा जी कि अब कांग्रेसियों के अंदर भी, मतलब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी राहुल गांधी को लेकर के एक ज़बरदस्त तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस को ये व्यक्ति बहुत आगे लेकर के जाएगा, और इस व्यक्ति ने कांग्रेस को अपने पैरों पर एक तरीके से कहा जाए वो खड़ा कर दिया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से आए हैं सुमित्रा जी, उसमें सिर्फ राहुल गांधी ने कांग्रेस को नहीं बल्कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है उसको एक नई ऊर्जा और एक नई ताजगी जो है वो राहुल गांधी ने दी है, इंडिया गठबंधन को भी और कांग्रेस को भी, और ये चुनाव परिणामों में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अगर सिर्फ यही बात की जाए कि जो परिणाम आए हैं जिस तरीके से, उनको अगर यही सच मान लिया जाए और इस बात पर चर्चा ना की जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या घपले हुए, क्या क्या बेईमानियाँ हुई, प्रशासनिक मशीनरी का क्या रोल रहा, चुनाव आयोग का क्या रोल रहा, इन सारी चीज़ों की तब ध्यान ना दिया जाए, तो भी जो परिणाम है वो भी ये बताने के लिए काफ़ी कुछ है कि इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए एक ऊर्जा जो है वो राहुल गांधी ने प्रदान की है। तो राहुल गांधी निश्चित तौर पे एक नए करिश्माई नेतृत्व के तौर पे उभरे हैं, हालांकि ये करिश्मा उनके अंदर पहले भी था, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें उनके अंदर पहले नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से ज़मीन पर रह करके राहुल गांधी ने अपने को सिद्ध किया है, और जो ये बाबा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तब से लगता था, जैसे प्रधानमंत्री बाबा कहते थे शहजादे शहजादे, तो शहजादे ने शहनशाह को जो है ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन पर पटखनी दे दी है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है सुमित्रा जी। चूंकि अब मुंह से शहजादे नहीं निकल रहा है प्रधानमंत्री के, क्योंकि अब अगर मुंह से शहजादे निकलेगा तो शहनशाह को और ज़बरदस्त तरीके से पटकनी जो है देने के लिए जनता तैयार खड़ी हो। शहनशाह खुद समझ रहे हैं कि जिस कुर्सी पे वो इस समय बैठे हुए हैं वो ईमानदारी से प्राप्त की हुई कुर्सी किसी भी हाल में नहीं है, उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या दुराभिसंधियाँ की गई हैं, किस किस तरीके से क्या क्या मैनिपुलेशंस किए गए हैं, क्या क्या रिगिंग की गई है, ये सारी चीज़ें शहनशाह जो अच्छे तरीके से समझते हैं। तो कुल मिलाकर के सुमित्रा जी, जो शहजादे और शहनशाह के बीच लड़ाई थी, शहजादे उसमें जो है वो शहनशाह के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शहनशाह को अपनी रणनीति पर फिर से पुनर्विचार की आवश्यकता है, और शायद वो पुनर्विचार कर भी रहे हैं, और शहनशाह के अंदर जो है सुमित्रा जी एक तरीके से कहा जाए अब वो नए शहनशाह जो हमको देखने को मिलेंगे, जाहिर तौर पे संसद का सत्र जब शुरू होगा तब हमको एक और नए शहनशाह जो है वो देखने को मिलेंगे, कि पुराने शहनशाह जो थे वो एक जो एक अकेले सब पे भारी थे, जिनकी 56 इंच की छाती थी, वो शहनशाह किस रोल में नजर आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा सुमित्रा जी। बिल्कुल अमरिंदु जी, वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। राहुल गांधी को बहुत बार शहजादा शहजादा बोला गया अमित शाह, और अमित शाह तो अभी भी राहुल बाबा ही बोलते हैं, और जब तक उनको इटली भेजने की बातें वाजपेयी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी, और उनका उन्होंने जब ये देखा कि एक अकेले राहुल गांधी को शहजादे बोलने से भी बीजेपी का काम नहीं सध रहा है, तो फिर उन्होंने तेजस्वी यादव को भी शहजादा बोला, उन्होंने अखिलेश यादव को भी शहजादा बोला, यानी उन्हें हर उस नेता से तकलीफ थी जो उनके खिलाफ आवाज उठाता था, और फिर इसको वो बड़े अपनी सुविधा से उन्होंने परिवारवाद का नाम दे दिया कि हम तो परिवारवाद, यही किरण चौधरी को वो और श्रुति चौधरी को वो बीजेपी में शामिल करते हैं तो उनको परिवारवाद नहीं नजर आता, या जो असली शहजादे जिनको बोल मतलब अपने खैर वो महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मतलब जब तक माधवराव जी थे तब तक तो वो प्रिंस ही थे, तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करना, तब वो जो असली राज परिवार से लोग जुड़े हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करना या उनके साथ राजनीति करना, उसमें उन्हें तकलीफ नहीं होती, तब ना उनको राज परिवार दिखता है ना उन्हें परिवारवाद दिखता है। तो ये मोदी की जो सुविधाजनक राजनीति है इसको भी जनता ने सामने सामने ही देख लिया, और दूसरी ओर ये भी देखा कि राहुल गांधी किस तरह लोगों के बीच जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अभी निकले। अमरिंदु जी, जब वो नियामगिरी के जंगलों में जब वो वेदांता वाला मामला चल रहा था वो तब भी वहां गए, भट्टा परसौल भी वो गए, मंदसौर में भी वो जीतू पटवारी के पीछे बाइक पर बैठ के वो जहां पर किसानों पर गोलियां चली वहां गए, ये मतलब लगातार राहुल गांधी करते रहे, वो हमेशा से लोगों के बीच जाते रहे हैं, लेकिन तब मीडिया ने एकदम उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा था, और अभी भी वो इस तरह से ही हो रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी ने जब ये दोनों यात्राएं की और उसके बाद जिस तरीके से वो एकदम से लाखों लोगों के साथ जीवंत संपर्क उनका हो गया, और उसके बाद हमने देखा कि पिछले पूरे एक डेढ़ दो सालों में
वो कितने बार कुलियों के बीच, मजदूरों के बीच, किसानों के बीच, कहीं बढ़े ही लोगों के बीच, हर किसी के पास ऐसे पहुंचे, या गिग वर्कर्स या छात्र छात्राओं के बीच सबके पास वो पहुंचे, तो राहुल गांधी की ये जो छवि बिगाड़ने की कोशिश थी उस पर जितने करोड़ों खर्च किए होंगे उन सबको राहुल गांधी ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और तब अब जाकर ये जो हम स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें हमको पहले कभी देखने नहीं मिली, लेकिन अब कांग्रेस का एक जो नया आत्मविश्वास है कि खड़गे जी के साथ राहुल गांधी केक काट रहे हैं और बगल में खड़े केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी और पीछे अजय माकन, यानी वही लोग जो हमेशा से उनके करीबी रहे हैं। अब इस पे लोगों को दिक्कत हो सकती है, बहुत संजय निरुपम जैसे लोग जिन्होंने ये बोलकर कांग्रेस छोड़ दी थी कि वहां पर सत्ता के 5 केंद्र हैं, लेकिन उन लोगों को बीजेपी में इस तरह के केंद्र नहीं दिखाई देते जहां पर बिल्कुल एक आदमी और या दो आदमियों के भरोसे पूरी सरकार चलती है, लेकिन उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं नजर आती, बहरहाल ये उनका नजरिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने अब एकदम नई बिसात बिछा दी है। कल प्रियंका गांधी के लिए जिस तरह से परसों जो ये घोषणा हुई कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद से अमरेंदु जी एक नई हलचल मची हुई है और बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या रणनीति है राहुल की। राहुल की इस रणनीति पर हम चर्चा करेंगे, पहले प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आज का देख लेते हैं जो उन्होंने अपने भाई को जन्मदिन के मौके पर दिया है। यहाँ पर प्रियंका गांधी लिखती हैं कि हैप्पी बर्थडे टू माय बिलेवड ब्रदर हुज यूनिक प्रेजेंस ऑन माय लाइफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग लाइट्स अप द पाथ। यहाँ पर वो लिख रही है उनको कि ऑलवेज माय फ्रेंड, माय फेलो ट्रेवलर, आर्गुमेंटेटिव गाइड, फिलोसोफर एंड लीडर, कीप शाइनिंग, लव यू। ये जो लिख रही हैं प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए शुभकामनाएं दे रही हैं कि जो बोल रही हैं कि उनका यूनिक पर्सपेक्टिव है लाइफ पर, जिससे मतलब एक अनोखा नजरिया जो है वो हर रास्ते को एक रोशन कर देता है। और यहाँ पर उन्होंने अपने भाई के लिए एक आर्गुमेंटेटिव गाइड, यानी कि एक ऐसा क्या बोल सकते हैं उसको, निदेशक या एक ऐसा गाइड जो जिसके साथ आप बहस भी कर सकते हैं लेकिन वो आपको सही राह बताता है। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी को ये बताया है कि वो उनके केवल मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि उनके दोस्त भी हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ये टीम, कल भी हमने इस टीम पर चर्चा की थी अमरेंदु जी, आज उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि प्रियंका गांधी वायनाड अगर जाती हैं, जिसके बारे में अभी बीजेपी के मेरा ख्याल एक कोई उप मुख्यमंत्री उन्होंने कुछ अपने ज्योतिषी गणना करके ये बताया है कि प्रियंका गांधी वायनाड हार जाएंगी, ये वो ज्योतिषी गणना कर रहे हैं। अभी से बीजेपी के नेताओं की ये खलबली समझी जा सकती है कि अभी तो पर्चा नहीं भरा लेकिन प्रियंका की हार की भविष्यवाणियां बीजेपी के नेता करने लगे हैं। बहरहाल जब प्रियंका वहां पहुंचेंगी तब पता चलेगा कि होना क्या है, लेकिन अभी जो दिख रहा है कि दक्षिण तो राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने पहले ही साध लिया था, प्रियंका गांधी को वहां भेजकर एक मजबूती तैयार की जा रही है, लेकिन इधर उत्तर का क्या हाल होगा, क्योंकि उत्तर भारत में हम देखें तो हरियाणा है चाहे बिहार है, यहाँ पर कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं और यूपी तो है ही, जहां पर कांग्रेस ने पिछले बार की 1 सीट से अब 6 सीट हो गई है। बिहार में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 4 सीटें उसके खाते में आ गई। इधर हरियाणा में 5 सीटें उसके खाते में आई। ये सब जो गेन है ये बता रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत अब हो रही है, और इसी का असर है कि राहुल गांधी ने अब ये तय किया है कि वो रायबरेली में बने रहेंगे। अमरेंदु जी आपको क्या लगता है कि रायबरेली में बने रहकर राहुल अब क्या एक पूरे नेशनल लीडरशिप मतलब संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपी और उसके साथ साथ पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम जगहों पर राहुल की प्रेजेंस अब दिखेगी उस तरह से, क्योंकि अब जो बाकी जगहों पर जब भी विधानसभा चुनाव होंगे या अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी, क्योंकि मोदी 3.0 तो हो गया, कब तक ये कायम रहेगा नहीं कह सकते। अगर ये सरकार मान लीजिए 5 साल चलती भी है तब उसके बाद उस जो अगले चुनाव होने हैं 2029 में, उसमें क्या राहुल एक आपको पूरा कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए समिता जी, राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए काफी जमीन तैयार कर दी है और बाकी वो जमीन तैयार करने के लिए काम करेंगे। उनकी रणनीति को देख करके समझा जा सकता है कि जिस तरीके की उन्होंने सियासी बिसात बिछाई है उससे साफ समझा जा सकता है कि अब उनका ध्यान जो है दक्षिण को सेफ कर लिया,
और नॉर्थ की तरफ बढ़ना है, ये उनका लक्ष्य एक तरीके से साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि प्रियंका गांधी को जिस समय घोषणा की जा रही थी कि वो वायनाड से लड़ेंगी और राहुल गांधी जो रायबरेली अपने पास रखेंगे, उस समय जो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहीं, राहुल गांधी ने कहीं और प्रियंका गांधी ने कहीं, उन बातों का साफ साफ निहितार्थ ये है कि राहुल गांधी अब उत्तर की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पार्टी को आगे बढ़ाना है। और यहाँ स्ट्राइक रेट भी जो है वो कांग्रेस का ठीक ठाक अच्छा स्ट्राइक रेट है। जैसे आपने भी बताया कि भाई आज देखा जाए तो दूसरी बड़ी मतलब विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बिहार से अगर निकल करके आई है तो वो कांग्रेस है, और अगर उसमें आप पप्पू यादव को भी जोड़ लीजिए तो चार की बजाय वो पाँच हो जाती हैं, लेकिन हम पप्पू यादव को नहीं जोड़ते तब भी कांग्रेस चार सीटें जीत करके आई है, आर जे डी तीन सीटें जीत करके आई है, और जबकि वो लड़ी सिर्फ नौ सीटों पे थी वहाँ कांग्रेस जो थी। तो इसलिए ये स्ट्राइक रेट उसका बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जा सकता है कांग्रेस का। तो जो स्ट्राइक रेट आया वो केवल यही स्ट्राइक रेट बन के और ये चुनाव तक सीमित ना रह जाए, बल्कि संगठन का विस्तार हो, और जिस तरीके से जनता आशा भरी निगाहों से राहुल गांधी की तरफ देख रही है तो उसकी आशाएँ पूरी हो, इसके लिए राहुल गांधी को अब काम करना होगा, लगातार सड़क पे उनको रहना होगा। मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी इसकी रणनीति अच्छी तरीके से तैयार कर चुके हैं कि अब उस पूरा समय उनका सड़क पे ही निकलेगा जब तक कि ये मोदी सरकार को वो गिरा ना दें। अब मोदी सरकार नहीं कहना चाहिए क्योंकि मोदी जी खुद नहीं कह रहे, एनडीए सरकार जो है उसको गिरा ना दें राहुल गांधी, तब तक वो रहेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया उसमें जैसे उन्होंने कहा है कि भाई ये सरकार जो बहुत एक तरह से कहा जाए कि वो धागे पे टिकी हुई है और कच्चे धागे पे, ये कभी भी गिर सकती है, मतलब इसको जब चाहेंगे तब गिरा देंगे। और इसी तरीके की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी कि बहुत कमजोर सरकार है, जब चाहेंगे तब इसको गिरा देंगे। निश्चित तौर पर समिता जी समझा जा सकता है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जिस दिन चाहेगा उस दिन इस सरकार को गिरा देगा और मोदी जी जो है वो धराम से नीचे गिर जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। और आज जब मोदी जी पहुंचे नालंदा और वहां नीतीश कुमार ने जिस तरीके की बातें की हैं समित्रा जी, उन्होंने उनको याद दिलाया है कि राजगीर आप आए हैं और हम तो यहां आते ही रहते हैं राजगीर, और आप तीसरी बार एक तरीके से राजगीर आए हैं, तो ये बताया है जिस तरीके से। तो राजगीर को समझाने का नीतीश का मतलब यही है समित्रा जी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने के लिए तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार जब जब राजगीर जाते हैं तब तब वो सरकार पलट देते हैं। तो अब वो अब देखना ये है कि वो बिहार की सरकार पलटते हैं कि अब मोदी जी की सरकार पलटते हैं। तो नीतीश ने ये बार बार कह करके कि आप राजगीर आए हैं और हम तो यहाँ आते ही रहते हैं, बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बातें जो मोदी जी को समझाई हैं, और मोदी जी हंसते रहे, और मोदी जी समझ गए हैं कि नीतीश कुमार अगर इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं और पैर छू रहे थे पिछले एनडीए की बैठक में, यहाँ आकर के बता रहे हैं कि आप आए हो राजगीर तो अब हम तो आते ही रहते हैं, तो ये कहना क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? आखिर चर्चा जो है वो इस बात को लेकर के है। अभी तक नीतीश कुमार बीमार थे तो अब जो आए हैं इस तरीके से लौट करके, तो ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो बेसबब नहीं है राहुल गांधी की बातें। और लोग ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के रिश्ते राहुल गांधी से अच्छे हैं, मतलब अगर राहुल गांधी कोई पहल करेंगे खुद आगे बढ़कर करके तो नीतीश कुमार फिर उस पहल को एक तरीके से देखा जाए तो वो स्वीकार कर सकते हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी अगर स्वयं पहल कर लेंगे चंद्रबाबू नायडू के साथ भी समित्रा जी, तो भी एनडीए में टूट पड़ जाएगी कि राहुल गांधी ले लेंगे, चूँकि 2019 के चुनाव में यही चंद्रबाबू नायडू जो थे वो फांसीवादी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की उसके खिलाफ यूपीए को यानी कांग्रेस को मजबूत करने की बातें चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे। तो परिस्थितियाँ बदली हैं तो ठीक है, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी खुद कोई पहल करेंगे तो वहां भी तोड़फोड़ की जा सकती है। और इस तोड़फोड़ को छोड़ भी दीजिए समित्रा जी, उनके सहयोगियों की बात अगर छोड़ भी दीजिए, तो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के बहुत से सांसद जो हैं वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, कल ही खबर आई कि जो ममता बनर्जी हैं वो जाकर के एक बीजेपी के सांसद उनसे मिली हैं, उनकी लंबी जो है उनसे भेंट वार्ता हुई है, और बीजेपी के सांसद जो उन्होंने भी कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये आगे आगे देखिए होता है क्या जो चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें साफ तौर पर समझा सकता है कि राहुल गांधी ने विसात बिछाई है उस पर, ये सरकार बहुत कमजोर है, डामाडोल सरकार है, और कभी भी कोई बड़ा खेल राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मिलकर के कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस खेल पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके इस पर लगे हैं कि जो आशा जनता ने जताई है और जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया है उस समर्थन को और मजबूत किया जाए, और खासतौर से जो उत्तर भारत है वहाँ कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाए, ताकि जो गड़बड़ियाँ अभी रह गई हैं वो गड़बड़ियाँ आगे आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से देखने को ना मिले। तो राहुल गांधी इस पर लगातार काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब इस पर काम कर रहे हैं तो यहाँ संगठन को मजबूत करना है, जनता के बीच लगातार रहना है, सहयोगी दल यहाँ जो है उनके साथ किस तरीके से तालमेल बैठे, सीटों के तालमेल क्या हो, इस सब पर भी बातें करनी है। आने वाले
जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें किस तरीके से कांग्रेस की बड़ी भूमिका रहे, कांग्रेस किस तरीके से एक बड़ा भाई बनकर के वहाँ भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर अपने सहयोगियों को साथ में लेकर के, ये सारी चीज़ें राहुल गांधी को तय करनी। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी लगातार अब सड़क पर दिखाई देंगे और सड़क पर ही बिसात बिछनी है। इधर प्रधानमंत्री की भाषा लगातार बदल रही है समित्रा जी, NDA की बैठक में तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से बातें कर रहे थे वो तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ भी वो EVM मर गया क्या जैसी बातें कर रहे थे, लेकिन बनारस पहुँचते पहुँचते उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है प्रधानमंत्री को। अब कल उनका भाषण जो था बहुत संयत एक तरीके से कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि शायद पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा संयत भाषण जो प्रधानमंत्री का कल का रहा है, जो वाराणसी में जाकर के प्रधानमंत्री ने दिया है। तो अब प्रधानमंत्री को कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या वो अविनाशी अवतार से निकल करके अब वास्तव में बायोलॉजिकल हो गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये साफ समझा जा सकता है समित्रा जी कि राहुल गांधी का दबाव अब नरेंद्र मोदी के ऊपर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। चूँकि संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, संसद के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोकसभा स्पीकर को लेकर के जिस तरीके की बिसात बिछाई जा रही है, साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी खासी दबाव में है। NDA के सहयोगियों के साथ बातचीत करनी पड़ रही है, TDP ने साफ कह दिया है कि स्पीकर TDP मतलब BJP का नहीं NDA का होगा, ये नहीं कहा उन्होंने कि TDP का होगा या किसका होगा, लेकिन कहा है कि NDA का होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर NDA का होगा तो फिर विपक्ष के साथ समझौता करना पड़ेगा कि NDA का स्पीकर हो, और NDA के स्पीकर में भी इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू ने साफ संकेत दे दिया है कि TDP का स्पीकर हो, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से इंडिया गठबंधन के भी दबाव में है, और जो उसके सहयोगी हैं उनको जिस तरीके से राहुल गांधी के लोगों की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से जो ऑफर दिए जा रहे हैं और जो बाबा समझाइश की जा रही है उससे साफ समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा दबाव में है, और राहुल गांधी ने जो सियासी बिसात बिछाई है उस पर मोदी को मात देने की पूरी तैयारी है। ये मोदी भी समझ रहे हैं, इंडिया गठबंधन तो समझा ही हुआ है, NDA भी समझ रहा है सुमित्रा जी इस बात को। जी बिल्कुल, राहुल ने जैसी बिसात बिछा दी है उसमें इनकी समझ में आने लगा है कि इस पर अगर सोच समझ कर NDA नहीं चला, मतलब अभी खेल पहले भी हमने ये देखा था कि पूरे चुनाव में राहुल मुद्दे तय करते थे और फिर BJP या मोदी उस पर बात करते थे। अभी तक होता ये था कि मोदी कोई बात करते थे और कांग्रेस फिर उसका जवाब देती थी, लेकिन इन चुनाव में बिल्कुल उसका उल्टा ही हुआ। और मोदी की भाषा पर तो बार बार हमने चर्चा की कि कहीं वो EVM को, अभी जैसे आपने बताया कि वो EVM जिंदा है क्या, उन्होंने ये पूछा, उसके पहले उन्होंने कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये कहा था कि जो लोग अभी इस पर नाच रहे हैं वो लोग पछताएंगे, और इसी तरह की बातें उन्होंने बार बार कही है, चाहे मंगलसूत्र को लेकर चाहे भैंस चोरी करने को लेकर। लेकिन राहुल गांधी ने अभी जो फाइनेंशियल टाइम्स को अपना इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये खास बात कही कि न्यायिक प्रणाली, मीडिया, संवैधानिक संस्थाएं सभी हमारे लिए बंद थे, यानी विपक्ष के लिए बंद थे। तब हमने फैसला किया कि हमें अपने दम पर ही चुनाव लड़ना होगा। हमारे खिलाफ जो दीवार खड़ी की गई उस चुनाव में सफल होने वाले बहुत से विचार उसी से आए थे। ये राहुल गांधी ने ये कहा है, यानी अब वो बार बार ये बता रहे हैं कि ठीक है चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन जो विपक्ष को जिस तरह से दमन किया गया, जिस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश की गई, उसको अभी भी राहुल गांधी भूले नहीं है। और उन्होंने इस बात की याद दिलाई है कि कैसे चाहे कांग्रेस के खाते सीज करना हो, चाहे उनके नेताओं पर ED और IT का दबाव हो, CBI की जांच हो, चाहे वह उनकी बातों को मीडिया में स्थान न देना हो या संवैधानिक संस्थाओं का जो सहयोग न करना हो, सारी बातें जो है राहुल गांधी को याद है। और उन्होंने ये जो खास बात कही कि यह सोच कि आप नफरत और गुस्से की राजनीति से लाभ उठा सकते हैं, भारत के लोगों ने इस चुनाव में इसे अस्वीकार कर दिया है। जिस पार्टी ने पिछले 10 साल अयोध्या के बारे में बात करने में बिताए उसका अयोध्या में सफाया हो गया है। मूल रूप से यह हुआ कि धार्मिक नफरत पैदा करने का भाजपा का मूल ढांचा ध्वस्त हो गया। तो अमलेंदु जी, मुझे लगता है कि मोदी ने कल जो काशी में जो अपना वाराणसी में भाषण दिया है वो शायद राहुल गांधी की इस बात को सुनने के या पढ़ने के बाद दिया है, तभी या वो खुद उन्होंने दिया या उनके सलाहकारों ने उनके भाषण को लिखा, जिसमें विपक्ष पर कोई तंज नहीं, बेहद संयमित भाषा और आभार प्रकट करना कि ठीक है आपने मुझे जिताया। उन्होंने कहीं ये तंज नहीं कसा बनारस के लोगों पर कि ठीक है, जैसे पंजाब के लोगों पर ये कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं जिंदा बचाया, यहां उन्होंने नहीं कहा कि मैं ठीक है 1.5 लाख वोटों से 1 लाख वोटों से मैं जीत गया, चलो ठीक है आपने मुझ पर, मतलब वो इस तरह की उन्होंने कोई तल्खी नहीं दिखाई। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मोदी को भी अब हकीकत समझ में आ रही है कि क्या अब तक उनकी पार्टी करते आई है, किस तरह से 10 साल में नफरत की जो राजनीति की है उसको इस देश की जनता ने नकार दिया है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी के नरम पड़ते तेवर का
क्या ये भी एक वजह हो सकती है अमरिंदर जी की? अजय राय ने हाल ही में एक चैनल में इंटरव्यू में फिर से ये दावा किया कि मोदी अगर अभी भी चाहें तो इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर दिखा दें और मैं उनको हरा दूंगा। ये दावा अभी भी अजय राय कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिन्होंने बहुत मुश्किल खड़ी कर दी थी मोदी के सामने और बहुत मुश्किल से मोदी चुनाव जीत पाए, लेकिन अजय राय कहा है कि मैं अभी भी मोदी को हरा सकता हूं। यानी कांग्रेस के हौसले अभी भी बुलंद हैं और बिल्कुल कहीं से कमजोर नहीं पड़े हैं। और यूपी में जो हाल हमने देखा भी है, राहुल गांधी ने तो कह ही दिया कि अयोध्या में ही उसका सूपड़ा साफ हो गया, यानी अयोध्या नहीं जीत पाई बीजेपी, वाराणसी में मुश्किल से जीती। अब उपचुनाव होने हैं और अभी से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो है वो फिर से धूम मचाने को तैयार है। इधर अब बाकी लोगों के तेवर भी जो नरम पड़ते जा रहे हैं, हालांकि हरियाणा में ये जो हुआ है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो वापस आ रहे हैं, मतलब वापस क्या कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में उनको जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, और छोड़ने के वही बहाने कि एक ही लीडरशिप है और एक ही की बात चलती है और वहां लोकतांत्रिक वो नहीं है, बीजेपी में उनको सब अच्छा लगता है, तो खैर अच्छी बात है वो जाएं। लेकिन मनोज झा है आरजेडी सांसद, उन्होंने इस मसले पर क्या कहा है किसी पार्टी को छोड़ने या किसी में जाने का, उसको ये सुन लेते हैं हम बात। बहुत दिनों से ये खबर आ रही थी और जाहिर है चिप्स तो बहुत डाउन है हरियाणा में। मैंने तो चुनाव के पहले भी बहुत सारी ज्वाइनिंग देखी थी, सब हार के बैठे हुए हैं, जनता को पता होता है। अभी सुन रहा हूँ कई लोग जो उधर गए थे अब वापस इधर आ रहे, ये कोई खबर ही नहीं है। हरियाणा में एक तरफा है मामला, तो कोई कहाँ ज्वाइन कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में एकदम से एक तरफा मामला बता रहे हैं मनोज झा। अमरिंदर जी, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव जल्द होने और वहां पर जो खट्टर सरकार है वो किस तरह से गई, फिर नायब सिंह सैनी को कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया, जेजेपी अलग हो गई, ये सब तो हम लोग देख ही रहे हैं। उस हरियाणा में जहां पर एक तरफा मामला दिख रहा है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये कह दिया था कि इस बार हम अच्छे से बहुमत लाने वाले हैं, वहां पर अब जो ये नेताओं को शामिल करने का सिलसिला, दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का सिलसिला, चुनाव के ठीक पहले नवीन जिंदल जैसे नेताओं को तोड़ा था और अब ये किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, आपको क्या लगता है बीजेपी अपनी इस राजनीति के बूते ही क्या इसी तरह से अपने आप को वो खींचती रहेगी और यही राजनीति उसकी चलती रहेगी, लेकिन इसमें क्या दूरगामी इसका असर बीजेपी पर घातक होने वाला है अमरिंदर जी? देखिए सुमित्रा जी, मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं बची ही नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ बीजेपी कहीं नहीं बची है, चूँकि अगर श्रुति चौधरी और किरण चौधरी, नवीन जिंदल सब यही लोग, इस टाइप के लोग अगर सब कांग्रेस में छोड़ के और चले जाएंगे बीजेपी में, तो बीजेपी कहाँ बची? तो ये तो कांग्रेस में बीजेपी हो गई, तो अब बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा चिराग लेकर के बीजेपी के अंदर कि बीजेपी कहाँ बची है, कहाँ है बीजेपी। तो ये तो इस तरीके से, दूसरा जो मनोज झा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग भी इस तरीके से गए छोड़ करके चुनाव से पहले, वो सब के सब हार करके बैठे, और जनता ने उनको सबक सिखाया एक तरीके से, निश्चित तौर पर ये बात सही है। और जनता, देखिए सुमित्रा जी, ऐसे दल बदलुओं को सहन नहीं करती है। हालांकि जो किरण चौधरी हैं वो पहले भी अजय माकन को राज्यसभा के चुनाव में हरवा चुकी हैं, इस तरीके के आरोप हैं कि उन्होंने ही हरवाया था, उनका ही वोट जो था वो गड़बड़ हुआ था, वो दूसरे गया था, और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था ये बताया जाता है, और उसका जवाब अभी तक नहीं आया है उस कारण बताओ नोटिस का। तो ये हालांकि कांग्रेस की अपनी भी थोड़ी कमजोरियां हैं, लगता है कि जिन लोगों को ये थोड़े से भी डिफेक्टिव पीस हैं उनको निकाल के खुद ही पहले बाहर कर दो, कि बाद में फिर जो वो बताएं कि साहब हम छोड़ कर के आएँ। अब बताया जा रहा है, जैसे आपने बताया कि संजय निरुपम भी कह रहे हैं कि साहब वहाँ 5 शक्ति के केंद्र हैं कांग्रेस में। अगर 5 शक्ति के केंद्र हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर 5 शक्ति के केंद्र हैं। भाजपा में तो शक्ति का केंद्र एक ही है, केवल अमित शाह, वहाँ मोदी जी भी शक्ति का केंद्र कोई नहीं है। मोदी जी को भी जो करना होता है अमित शाह से पूछ के ही करते हैं, तो अमित शाह ही सब कुछ वहाँ तय करते हैं, तो शक्ति का केंद्र तो एक वहाँ है। तो आपको शक्ति का एक केंद्र चाहिए कि शक्ति के 5 केंद्र चाहिए? तो जहाँ 5 केंद्र वहाँ अच्छी बात है, मान लीजिए अगर कांग्रेस में शक्ति के 5 केंद्र हैं, तो शक्ति का एक केंद्र अगर आपके खिलाफ हो जाएगा तो दूसरा आपको बचाएगा, तीसरा बचाएगा, चौथा बचाएगा, पाँचवा बचाएगा, कोई ना कोई तो बचाएगा अगर आप पार्टी के प्रति वफादार हैं, पार्टी की आप हितैषी हैं, या आपकी कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, तो कोई ना कोई शक्ति का केंद्र आपकी बात सुनेगा। तो वहाँ 5 शक्ति के केंद्र हैं तो यह तो अच्छी बात है। तो ये लोग जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, हालांकि संजय निरुपम खुद जो है पहले शिवसेना के को छोड़ करके आए थे कांग्रेस में, फिर कांग्रेस छोड़ करके अब फिर शिवसेना शिंदे गुट में गए हैं लौट करके, तो ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है राजनीति में। और ये एक तरह से कहा जाए कि बेपैंदी के लोटे होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कल कभी वहाँ, अभी कल को छोड़ करके बीजेपी में चले जाएंगे तो शिवसेना शिंदे के लिए उल्टा सीधा कहने लग जाएंगे।
तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं है, ये कहीं भी आते जाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी जो है इसको लेकर के ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे लोगों की दोबारा वापसी नहीं होने पाए। अब टीएमसी के एक नेता हैं अभिजीत बनर्जी, जो बताए जाते हैं कि प्रणब मुखर्जी जी के रिश्तेदार हैं, बेटे हैं उनके, उनका देख रहा था मैं, चल रही है खबर कि वो चाहते हैं कि वो लौट करके जब कांग्रेस में आना चाहते हैं। बहन उनकी जो थी चुनाव से पहले एक बड़ी लंबी चौड़ी किताब लिख चुकी हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि वापस नहीं लेना चाहिए, उनसे कहना चाहिए भाई आप जहां हैं आप वहीं ठीक रहिए, हमें आपकी अब कोई आवश्यकता नहीं है कि फिर बाद में आपको परेशानियां हों। कांग्रेस जो है या कोई भी पार्टी जो विपक्ष की जो, वो अपने तरीके से अब बढ़ेगी और जिन लोगों ने संकट के समय में साथ दिया है उनको लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे, ये इनको तय करना चाहिए। कुल मिला के मुझे लगता है कि जो जिस तरीके की राहुल गांधी रणनीति बना रहे हैं, उनका पहले भी वीडियो वायरल हुआ था कि हमको मजबूत लोग चाहिए, जो कायर लोग हैं वो छोड़ के चले जाएँ और जो बहादुर लोग हैं उनको बाहर से लेकर के आओ। तो ऐसे लोग जो पहले छोड़ के जा चुके हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए परेशानी जो है शर्मिता जी, वो कांग्रेस में नहीं है, परेशानियाँ बीजेपी के अंदर हैं, क्योंकि संकट बीजेपी के अंदर से उठ रहे हैं लगातार। अब सवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठना शुरू हो रहे हैं, और अभी भी नरेंद्र मोदी जो है वो भाजपा संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, तो वहाँ संसदीय दल का नेता कौन चुना जाएगा और कैसे किस चुनाव होगा, इसको लेकर के चीज़ें हैं। तो संकट बीजेपी के अंदर है और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी संकट बढ़ते जा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जो बिसात बिछाई है उसको हम फिर कहेंगे कि राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छी गोटियाँ फिट की हैं, और ये बिसात जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिछाई है इस पर नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। उसके पास राहुल गांधी के उठाए हुए सवालों के जवाब ना पहले थे और ना आज और ना कल होंगे, इसको अच्छे तरीके से समझा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में, चुनाव से पहले भी लगातार जनता के मुद्दों की बातचीत की, कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं, कोई विवादित मुद्दा नहीं, जो भी बातें की, देश किस तरीके से तरक्की करे, जनता किस तरीके से तरक्की करे, जनता किस तरीके से महफूज हो, इसको लेकर के राहुल गांधी ने बातें की और जनता ने उन्हीं सारे मुद्दों के आधार पर वोट किया है। और भारतीय जनता पार्टी को कहा जाए एक तरीके से उत्तर भारत में जबरदस्त तरीके से कड़ी चुनौती मिली है और भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर जो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अब कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है कि अभी भी जो बताया जाता है कि वो मतलब योगी जी को पीछे रख करके चले, अरे भाई ठीक है आप अविनाशी होंगे लेकिन आप काशी की धरती पर आए हैं, तो यहाँ का मुख्यमंत्री है वो कम से कम आपके साथ होना चाहिए था, भले ही वो आपकी पार्टी का हो। मान लीजिए अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या अखिलेश यादव इसी तरीके से पीछे चल रहे होते नरेंद्र मोदी के? कतई नहीं चल रहे होते। अगर मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको अगवानी करनी भी पड़ती प्रधानमंत्री की, तो आमने सामने की मुलाकात होती, हाथ मिलाया जाता और साथ साथ चलते। तो आप अपने ही मुख्यमंत्री का जिस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए अपमान कर रहे हैं, और लोग इसको लेकर के सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं शर्मित्रा जी। तो ये अब जो एक तरीके से कहा जाए कि जो विचार करना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रणनीति को लेकर के करना है। हालांकि हम फिर कहेंगे कि उनका कल का जो भाषण है उसमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला है, और एक तरीके से कहा जाए कि राहुल गांधी का और इंडिया गठबंधन का दबाव साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है कल के उनके भाषण में। तो आगे भी उनको अपने लोगों के साथ भी बर्ताव करते समय ये बात ध्यान में देना पड़ेगा कि इस तरीके के सुअवसर आए कि राहुल गांधी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को केक खिला रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को केक खिला रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से केक खिलाते हुए या मिठाई खिलाते हुए योगी आदित्यनाथ को नजर आए और योगी आदित्यनाथ भी जो है मोदी जी के साथ बराबरी का बर्ताव करते हुए दिखाई पड़े, मोदी जी योगी जी के साथ बराबरी का बर्ताव करते हुए नजर आए। ये मुझे लगता है कि सुअवसर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी बचेगी, वरना भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी किनारे लगा चुके हैं और राहुल गांधी का दबाव साफ तौर पर समझा जा रहा है। सुमित्रा जी बिल्कुल, राहुल गांधी का दबाव तो हर तरह से नजर आ ही रहा है। अभी भी जब ये संसद का सत्र शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, और उसके लिए अभी से कांग्रेस ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि सदन का तापमान जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली का तापमान और देश के उत्तरी पूर्व मतलब इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और ये गर्मी जो है सियासी गर्मी संसद में भी देखने को मिलेगी, इस बात के संकेत कांग्रेस ने अभी से दे दिए हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर इस बार चर्चा होगी, मतलब बजट सत्र शुरू होने वाला है तो उसमें ये सारी बातें होंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी उठेगा। इसके अलावा जो शेयर घोटाला जिसके बारे में कल सेबी से भी मुलाकात की इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, और राहुल गांधी ने इस घोटाले को सबसे पहले ही इसमें बता दिया था कि मोदी और शाह किस तरह से इसके लिए आरोपी हैं, ये राहुल गांधी ने कह दिया था।
तो राहुल गांधी जब तो अभी तो जब संसद गठित भी नहीं हुई उसके पहले से वो एक तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हालांकि सदन के भीतर वो इस भूमिका को नहीं निभाएंगे इसके भी कयास हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं ताकि वो देश भर में घूम सके और कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर सके। और इन चुनाव में जो बीजेपी के लिए कहा गया था कि दक्षिण में साफ और यूपी में हाफ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ भी, दक्षिण में तो बीजेपी का कुछ आधार बचा नहीं और वहीं यूपी में भी, यानी उत्तर भारत में और यूपी में उसकी सीटें जिस तरह से कम हुई हैं, इसी से समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लिए हालत इस बार बहुत मुश्किल है। और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से परसों जो इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार सदन में संख्या बल जो है वो बहुत नाजुक है और जरा एनडीए के सहयोगी इधर से उधर हुए और सारा खेल पलट जाएगा, ये राहुल गांधी का कहना था। अमरेंदु जी, इस खेल को भी समझ लेते हैं, जैसे अभी बहुमत के लिए जो 272 का आंकड़ा है उसमें बीजेपी के पास है 240 सीटें अपनी, और फिर वो बाकी जेडीयू और टीडीपी और चिराग पासवान और हम इन सब की पार्टियों के भरोसे जो है उसके पास पूरे सांसद हैं, यानी सहयोगी दलों के 53 सांसद, इसमें भी टीडीपी के 14 और जेडीयू के 12 सांसद, यानी ये दोनों भी अगर निकल जाते हैं तो 26 सांसद, यानी 21 सांसदों का ही एक खेल है जिसमें से अगर दोनों टीडीपी और जेडीयू को मिला ले तो 26, यानी फिर भी 5 सांसद जो है ज्यादा होते हैं अगर ये आ गए कांग्रेस के खेमे में, जैसा कि ये चल रहा है। बार बार आपने कहा राजगीर वाला आपने उदाहरण दिया, और ये मतलब इसको संयोग बोले या जो भी बोले कि जब भी नीतीश कुमार गए राजगीर और उसके बाद खेल बदल गया, यानी वो खुद पलट गए। अब अभी वो पलटेंगे नहीं पलटेंगे ये कयास है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर केसी त्यागी ने तो बोल दिया था कि नहीं, जो बीजेपी का फैसला वो हमको मंजूर, तब नीतीश जी अपना इलाज करा रहे थे मेदांता में, अब वो ठीक हो चुके हैं। आज उन्होंने मोदी जी का हाथ भी उलट पलट के देखा, एक वो वीडियो भी काफी चर्चित हो रहा है कि भाई उस दिन संसद में तो आप पैर पड़ रहे थे, आज आप उनका हाथ पकड़ के क्या देखना चाह रहे हैं, क्या वो भी कोई रेखाएं पढ़ना जानते हैं, ये हमको नहीं पता, या इन रेखाओं में कितना बात सच्ची होती नहीं होती इस बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। और मोदी जी का हाथ नीतीश कुमार ने क्यों पकड़ा ये भी हम नहीं बोल सकते, हाथ पकड़ के झटकने वाले हैं या ये बताने वाले हैं कि बस तुम्हारा हमारा साथ यही तक है, कुछ भी नहीं कह सकते। जेडीयू का कुछ भरोसा नहीं है, और दूसरी ओर टीडीपी जिसके पास, जिसने ये कह दिया कि एनडीए का ही स्पीकर होगा। अमरेंदु जी, मान लीजिए अगर ये स्थिति आती, उस दिन भी मैंने आपसे इस बारे में चर्चा की थी कि अगर ऐसा होता है कि टीडीपी को ये लगता है कि यहाँ बीजेपी हावी होने की कोशिश कर रही है, तो कितना मुश्किल होगा उसके लिए ये फैसला लेना कि नहीं अब मुझे बीजेपी के साथ नहीं रहना है। मान लीजिए जेडीयू रह जाती है बीजेपी के साथ और टीडीपी इधर आ जाती है इंडिया गठबंधन में, तब भी क्या संसद में खेल बिगड़ सकता है एनडीए सरकार के लिए? देखिए सुमित्रा जी, निश्चित तौर पे खेल तब भी बिगड़ सकता है, और अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है मान लीजिए स्पीकर पद के लिए और इंडिया गठबंधन उसको सपोर्ट करता है कि उसको समर्थन कर देता है, तो ये बड़ा शर्मनाक पल जो है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए होगा उस समय, क्योंकि हार जीत से अलग जो है वो जिस तरीके से शर्मनाक एक तरीके से होगा नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी के लिए वो देखने लायक चीज़ होगी। क्योंकि आप अभी तक दावा कर रहे थे एनडीए सरकार एनडीए सरकार, अगर आप इसका मतलब ये साफ समझा जाएगा कि नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा रिजिड हैं और एनडीए की सरकार को चलाना नहीं चाहते, संकेत फिर यही जाएगा। और सिर्फ ये चीज़ सिर्फ टीडीपी के साथ फिर नहीं रहेगी समीता जी, जो छोटे दल बीजेपी के साथ में हैं उनके सामने फिर ये प्रश्न होगा कि वो बीजेपी के साथ कितनी दूर तक आगे जाएं और कब बीजेपी की सरकार को गिरा दें। और इसी तरीके से अगर राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन कोई पहल कर देता है तो ऐसे में ये सारे छोटे दल जो हैं वो भाग करके आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ में, और फिर ये सरकार जो है वो अपनी एक तरीके से कहा जाए वो गिर जाएगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कुल मिलाकर के समझता जी, मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो बीजेपी को तय करनी है, बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी को तय करनी है कि वो टकराव का रास्ता चाहते हैं या ये चाहते हैं कि शांति के साथ उनकी सरकार चलती रहे। अगर नरेंद्र मोदी ये तय कर चुके हैं कि उनको सरकार गिरानी है तो वो तो निश्चित तौर पे फिर वो टकराव का रास्ता अख्तियार करेंगे, फिर चाहे वो विपक्ष के साथ टकराव का रास्ता हो चाहे वो एनडीए के सहयोगियों के साथ कोई टकराव का रास्ता हो। लेकिन अगर उनकी इच्छा सरकार चलाने की होगी, वो प्रधानमंत्री बने रहने की होगी, तो नरेंद्र मोदी को अब झुक करके चलना पड़ेगा या झुक करके चलने की आदत डालनी होगी।
अभी तक तो वह एक अकेले सबके ऊपर भारी थे, लेकिन अब वो एक अकेले सबके ऊपर भारी नहीं रहेंगे, वो अब चूंकि भार हो चुके हैं। और जिस तरीके से अजय राय ने चुनौती दी कि भाई आप इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ लीजिए, तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से मतलब संकट है नरेंद्र मोदी के सामने। और ये बात सही है सर मित्रा जी की, अगर आप 1.5 लाख वोटों से सिर्फ जीत करके आते हैं, जहाँ आपकी 4.5 लाख की जीत थी और आप जहाँ से सांसद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो उनके सामने दिक्कतें पैदा है नरेंद्र मोदी के सामने। तो नरेंद्र मोदी अब जिताऊ जो है वो आइकन नहीं है, मतलब नहीं जिता सकते किसी को, खुद जीत के आ जाए यही बड़ा संकट है। तो नरेंद्र मोदी को अब अपने बर्ताव में जो है वो परिवर्तन करना पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और ये बात एक तरीके से उनको विपक्ष भी लगातार समझा रहा है और नरेंद्र मोदी को खुद भी ये बात समझनी होगी। तो अगर इस तरीके की जैसी चीज़ें चल रही हैं स्पीकर के पद को लेकर के सर मित्रा जी, तो वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को अब यहाँ समझौते करने पड़ेंगे। और जो खबरें आ रही हैं वो खबरें सर मित्रा जी यही आ रही हैं कि बीजेपी अब काफ़ी ज़्यादा दबाव में है और वो अब इंडिया गठबंधन से बात करने की कोशिश कर रही है कि भाई सर्वानुमति से या सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हो जाए और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दे दिया जाए। और इधर वहाँ अंदर बातें चल रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष मतलब एनडीए का जो है मतलब खासतौर से टीडीपी का जो स्पीकर दे दिया जाए, इस तरह की बातें चल रही हैं। और अगर ये बातें समित्रा जी नहीं होती हैं और इस चीज़ें नहीं होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि 70 सालों में पहली बार मुझको लगता है कि शायद फिर लोकसभा स्पीकर पद के लिए कोई चुनाव होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन फिर इस पर पूरा है कि अगर सर्वसम्मति से नहीं होता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं मिलता है, तो फिर दोनों पदों पर फिर चुनाव होगा। चुनाव के जरिए फिर ठीक है, आपका जीते आपका, हमारा जीते हमारा, देखा जाएगा। अगर चुनाव की कोई स्थिति बनती है समिता जी, तो ये बीजेपी के लिए भी परेशानी करने वाली चीज़ें होंगी। फ्लोर मैनेजमेंट भी बीजेपी को स्पीकर के चुनाव से ही करना शुरू करना पड़ जाएगा। आने वाले दिनों में फिर आपको किस तरीके से पास कराने हैं बिल, उनके लिए तो आपको फ्लोर मैनेजमेंट करना ही करना होगा, लेकिन अभी ही आपको जो है वो स्पीकर बनाने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ जाएगा। और यहीं से आपकी एक हार जो है वो शुरू हो जाएगी, भले ही आप अपना स्पीकर जिता करके ले जाएँ, लेकिन आपकी हार की शुरुआत इस मायने में हो जाएगी कि आपको अब कदम कदम पर फ्लोर मैनेजमेंट करना होगा, चूंकि विपक्ष इतना ज़्यादा मजबूत है। राहुल गांधी ने जो कहा है कि विपक्ष इतना मजबूत है कि वहाँ उसको मुकाबला करना पड़ेगा। कल सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने जो अपनी पीसी की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा, विपक्ष बहुत मजबूत है, आप कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी 16 मिनट बोले तो उसमें 11 मिनट जो है वो टीवी पे ओम बिरला का चेहरा दिखाया जाता रहे। अब ये चीजें नहीं होंगी, इसको अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता। मुझे लगता है कि ये बात बीजेपी अच्छे तरीके से समझ रही है कि विपक्ष कितना मजबूत है और किस तरीके से जो अब तक माइक बंद कर दिया करते थे ओम बिरला, जो कि आरोप है कि वो कर दिया करते थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं मालूम है कि माइक कहाँ से बंद होता है, ये कहीं दूसरी डिपार्टमेंट है जहाँ से बंद होता हो और कैमरा कहाँ से घूमता है वो उन्हें नहीं मालूम है। तो लेकिन लोग जो विपक्ष का आरोप है वो अपनी जगह विपक्ष का आरोप है, ओम बिरला की बातें अपनी जगह अपनी बातें। तो कुल मिलाकर के सर मित्रा जी यही है कि अब चुनौतियाँ बीजेपी के सामने नरेंद्र मोदी के सामने बहुत ज़्यादा हैं। स्पीकर पद पे किस तरीके से चुनाव होता है इसको लेकर के ही जो है वो मालूम पड़ जाएगा कि बीजेपी रणनीतिक तौर पे कितनी अच्छी है और किस तरीके से राहुल गांधी ने विसात बिछाई है उस पर मोदी जी किस तरीके से मात खा रहे हैं। अगर कोई चुनाव की परिस्थिति बनती है तो ये नरेंद्र मोदी की पहली हार इस लोकसभा में सरमित्रा जी होगी कि आप एक सर्वानुमति जो है एक सर्वसम्मति से आप स्पीकर का चुनाव भी नहीं करवा सकते हैं, तो आगे सरकार चलाना आपके लिए मुश्किल होगा, ये समझा जा सकता है सर मित्रा जी। बिल्कुल, मोदी के लिए बहुत सारी चुनौतियां और जिस तरह से राहुल ने विसात बिछा दिया है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार उन्होंने जो भी बातें बोली पहले भी वो सही साबित हुई है, चाहे हम हमेशा इस बात के हमने उदाहरण गिनाए हैं कि नोटबंदी के बाद और कोरोना की वैक्सीन को लेकर और लॉकडाउन को लेकर और जीएसटी को लेकर जितने भी राहुल गांधी के आकलन थे वो सही साबित हुए। तो अभी भी राहुल गांधी ने अगर ये बात कही है कि इस बार संसद में संख्या बल सत्ता पक्ष के लिए बहुत नाजुक है, और नाजुक होने का मतलब कि जरा दो मतलब सदस्य इधर से उधर हुए नहीं, एक दो दलों ने सरकार से मुंह फेरा नहीं कि पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा। और राहुल गांधी कोई बात हवा में नहीं बोलते हैं, उन्होंने जो भी कुछ बोला है उसके गहरे मायने हैं, और इसीलिए इस बात को अब मोदी भी शायद गंभीरता से ले रहे हैं। कल काशी में उन्होंने जो भाषण दिया या आज जिस तरह से वो नालंदा पहुंचे और वहां उन्होंने ये जो नालंदा का खैर उद्घाटन तो उनको करना था, ये पहले से तय कार्यक्रम था, लेकिन अब उनके हाव भाव या ज्ञान को लेकर और इतिहास को लेकर अब जो एकदम बड़ी बड़ी बातें अब जो सामने आ रही हैं
ये उन बातों से बिल्कुल अलग है जिसमें वो ये दावा किया करते थे कि मैंने ही सब कुछ किया है या मैंने ही सब वो लाया है। गनीमत उन्होंने ये नहीं कहा कि नालंदा भी मैंने बनवाया है या ये उनके पिछले जन्मों का फल है, ये इस तरह के कुछ उन्होंने नहीं बोला। लेकिन जो कुछ बोला वो यही था कि ये जो ज्ञान पिछले समय का है उसको वो जो आग लग जाती है लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता, ये आज के सद्विचार थे मोदी जी के। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सद्विचार उनके आगे भी इस तरह से कायम रहेंगे। लेकिन क्या संसद में ये इन विचारों को व्यक्त करने के लिए मोदी पधारेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस परिवार को वो डर कर भागा हुआ बता रहे थे उस परिवार के अब मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो पहले ही हैं और मुमकिन है कि अब प्रियंका गांधी भी पहुंच जाएं, यानी जो परिवार जिसको वो डरा हुआ बता रहे थे वो पूरा परिवार अब चुनौती देने के लिए संसद में मौजूद रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और जिस तरह से राहुल गांधी की एक जो पूरी रणनीति तैयार हो गई है, राहुल गांधी जो शतरंज के खिलाड़ी हमने पहले भी कहा और उसमें एक एक मूव जो है एक एक चाल जो है वो बहुत मायने रखती है कि कब घोड़े को आगे बढ़ाना है ढाई घर और कब ऊंट को तिरछा चलाना है, कब हाथी को सीधा चलाना है, हर एक मूव का अपना एक महत्व होता है। और राहुल गांधी बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ही काम कर रहे हैं और इसमें मोदी के लिए ये मुश्किल खड़ी होती जा रही है क्योंकि उन्होंने अभी तक बिल्कुल अपनी एक सीधी चाल की मैं हिंदुत्व की बात करूंगा और विकास और गुजरात मॉडल की बात करूंगा और मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन इन चुनावों ने बता दिया कि मोदी जी के लिए अब न काम आसान रह गए न राह आसान रह गई। और जो नीतीश कुमार जिनके साथ आज बहुत हंस बोल रहे हैं मोदी, लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार के राज में जब बिहार में कल वो पुल गिर गया उद्घाटन से पहले ही, और तो नितिन गडकरी का ये बयान आ गया कि ये बिहार सरकार का पुल, मतलब अभी से ये चीजें शुरू हो गई कि ये हमारे जिम्मा नहीं है तुम्हारा जिम्मा है। जब इस तरह से जिम्मेदारियों को एक दूसरे के ऊपर डालने का ये सिलसिला शुरू हो जाए तो समझा जाना चाहिए कि अभी शुरुआत ही अच्छी नहीं है। जब शुरुआत अच्छी नहीं है आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, इसको हम देखेंगे। काफी दिलचस्प होने वाला है ये सफर और इस सफर में जो जो भी घटनाएं होंगी उन पर हम तमाम इसी तरह की खरी खरी चर्चाएं करते रहेंगे। आज की चर्चा को हम लेंदु जी यहीं रोकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े। आगे भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए हमारे बाकी कार्यक्रम, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।